नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजीव शुक्ला जी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने से भक्त निर्भय और सौम्य बनता है। माँ का यह रूप सुंदर, मोहक और अलौकिक है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत कर लेते हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी का। नमस्कार गुरु जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा है माता, अखंड ऊर्जा, और अखंड ऊर्जा हमारे जीवन में चारों तरफ होती है। तो माता चंद्र घंटा की पूजा आज कैसे करें? तो सबसे पहले विग्रह की स्थापना करना, जो भी पूजन स्थान है, विग्रह या तस्वीर इत्यादि की स्थापना, इसके बाद गंगा जल इत्यादि से या गंगा जल का आचमन करें या गंगा जल से स्नान करा के गंगा जल भूमि पर डालें। इसके बाद धूप दीप पुष्प रोली चंदन इत्यादि से आप पंचोपचार पूजा करें। वैदिक और सप्तशती मंत्र यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उसको पढ़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर संस्कृत के अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा का मंत्र विशेष रूप से पिंडज प्रवाहारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्जिता, यानी जो पिंडज प्रवाहारूढ़ा यानी कि एक प्रवाह की बात कर रहे हैं। प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ति विश्रुता, यानी सबसे पहले अगर हमने ध्यान दिया है, आप लोग अगर समझते हैं तो स्थापना के साथ एक मंत्र जरूर इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आपको कुछ मंत्र नहीं सूझ रहा है तो या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटे तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सर्वसुलभ आप कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभता वाले दिनों में है। आपके परिवार का मान सम्मान जरूर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का लाभ भी आपको मिलता हुआ देख रहा है। आपको धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो यानी आज कुल मिला के हम देखें तो लक फैक्टर, लक इंडिकेशन आपका अच्छा दिख रहा है। माता रानी के मंदिर में दान करें, दीप दान भी जरूर करें। लाल रंग शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए है 2 का। बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, आज के दिन आपके लिए दिन तो खुशनुमा बीतेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने घर से निकलेंगे तो जरूर लाभ हो, किसी विशेष कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दुर्गा मंदिर में गरीबों को भोजन कराना आप बिल्कुल ना भूलें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आज आपके लिए है नीला। तो ये हमने देखा वृषभ राशि का हाल। मिथुन राशि वालों, आज के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा दिन है। कुछ मुकदमा या कोई अन्य पूछताछ चल रही हो तो आपका समय आज साथ नहीं देगा, यानी कि आज कोर्ट से संबंधित मैटर को आप दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा दिन हो सकता है। गरीबों को लाल वस्त्र इत्यादि का दान दें। थोड़ा मंगल का और राहु का जमावड़ा ठीक नहीं है आपके लिए। हरा रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए देने वाला है लाभ। आज के दिन आपको मिलने वाली है प्रोन्नति, अगर आप सही माने में कार्य पे लगे हुए हैं किसी काम से क्षमता के साथ, तो आज का दिन आपके लिए फलदायी है। गाय को गुड़ खिलाना आज आपके लिए बहुत ही उन्नति वाला होगा। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 4 का। अब हम चलते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आज के लिए आप व्यापारी हैं यदि या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो खास है। नौकरी पेशा है तो आपके अधिकार कुछ बढ़ सकते हैं। आर्थिक लाभ और सम्मान की स्थितियां आपको पैदा हो रही हैं। मंदिर में फलों का दान और 2 प्रकार के, एक पीला एक लाल फल का दान करें। नारंगी रंग आज आपके लिए शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा बिजी यानी कि व्यस्त रखेगा। अधिकारों में वृद्धि के साथ साथ उत्तरदायित्व भी आपका बढ़ जाएगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का कुछ बोझ आ सकता है आज के दिन, लेकिन बिजी रहेंगे। माता की सेवा करें, मंदिर जरूर माता को लेके जाएं, नहीं तो उनकी सेवा करें। आसमानी रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 2 का।
बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, जोखिम के कामों से आप रहें दूर। छोटे मोटे कष्ट और थोड़े से पैसों का नुकसान जरूर हो सकता है। खान पान में रखें संयम और पानी जल का सेवन आज आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मंदिर में आज अन्न का दान करें तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 7 और शुभ रंग आज आपके लिए है हरा। तो ये हमने देखा तुला राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो लाभ आज आपको ज़रूर मिलेगा। आप किसी बहुमूल्य वस्तु से भी लाभान्वित हो सकते हैं। यदि उस प्रकार के कार्य में हैं, जरूर आज का आपका अच्छा दिन है। नौकरी करते हैं तो पद अधिकारियों में आपकी वृद्धि होगी। संतान के प्रति आपका प्रेम और प्रेम की भावना बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। गंगा जल से माता रानी को स्नान और उनके चरणों में जरूर चढ़ाएं और गंगा जल थोड़ा सा ग्रहण भी करें। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। बात करते हैं धनुराशि की। आज आपका दिन भक्ति के भाव में बीतने वाला है। रुके हुए धन की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से होने वाली है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से कुछ नया करने की कोशिश जरूर करेंगे। नौकर चाकर विश्वासघात करने का प्रयास करेंगे, संभल जाए। बजरंग बाण का पाठ जरूर आप करें। शुभ अंक 6 और शुभ रंग आज आपके लिए पिंक यानी गुलाबी। तो धनुराशि वालों की हमने ये बात की। गुरु बृहस्पति देव की राशि, चलते शनि देव की राशि मकर पे। आज का दिन आपके लिए खुशियों वाला रहेगा। आपके अंदर शारीरिक शक्ति व उत्साह इसका अतिरेक रहेगा। आपके हाथ में बड़ी मात्रा में पैसा आने से आपको हर्ष होगा। पार्टनर से आपको हर प्रकार का सुख भी प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। बहते जल में दिया प्रवाहित करेंगे तो आपको जरूर लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। शुभ अंक 8, शुभ रंग आज आपके लिए है सिलेटी यानी ग्रे। तो बहते जल में दिया प्रवाहित करें, उपाय करते रहें। कुंभ राशि वालों, आज विशेष धैर्य से लेना होगा आपको काम। जल्दबाजी में किए गए कार्य से हो सकती है आपको हानि। उतावला ना होइए, नए नए कार्यों में विनिमय करना पड़े तो अवश्य करें। आपको विशेष धैर्य बनाए रखना यानी स्थिरता बनाए रखनी है। अपने पक्षियों को दाना पानी जरूर दें और उसकी व्यवस्था भी करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आज आपके लिए। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज का दिन कुछ कठिनाई वाला आपका दिख रहा है। आपकी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की तरफ से आप परेशान दिख रहे हैं। विशेष रूप से मानसिक और पेट में वायु विकार संबंधित कष्ट भी आपको परेशान कर सकते हैं। साहस और पराक्रम से आपका आत्मविश्वास लेकिन बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो इन कठिनाइयों को दूर करें, गरीब बच्चों को भोजन कराएं गरीबों को, और इसके साथ ही साथ स्टेशनरी पेंसिल इत्यादि भी दें बच्चों को। 6 अंक शुभ है, शुभ अंक और इसके साथ पीला रंग आज आपके लिए अच्छा है। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर। तो आज माता की उपासना करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 4 अप्रैल 2022, तृतीया तिथि का मान, भरणी नक्षत्र, सोमवार का दिन, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास। शुभ समय 10:16 से 11:03 तक, राहु काल 7:52 से 9:25 यानी 7:52 AM से 9:25 प्रातः काल शुभ है, सिद्ध है। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की विधि विधान से पूजा कैसे करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरु जी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-365-24। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।